हमारी दुनिया, हमारा घर, जहां हम मानव सभ्यता निरंतर विकसित हो रहे हैं, हमारी धरती जिसने उन सभी प्राणियों, पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जन्म दिया जिन्हें आज तक हमने अपने जीवन काल में देखा है, यहां तक कि हम खुद भी इसी धरती के ही देन हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, परंतु धरती के अलावा बाकी सभी ग्रह बेजान हैं। क्या हमारी धरती बहुत खास है? क्या केवल यहीं पर जीवन के बीज विकसित हो पाए थे? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए हमने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया। हमने कई खास टेलीस्कोप्स की रचना की जिसको बनाने का मकसद ही था धरती के जैसे ग्रहों की खोज करना। जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की हुई, हमने जाना कि हमारी धरती पर जीवन तरल पानी के कारण ही उत्पन्न हुई थी, और फिर हम निकल पड़े खोज में, हमारी धरती जैसे ग्रहों की खोज में। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट हमारी धरती से भी ज्यादा अच्छी हो? हमारी धरती सूरज से एक निश्चित दूरी में स्थित है, और खुशकिस्मती से ये दूरी इतनी है कि यहाँ सूरज की गर्मी ना तो बहुत अधिक है ना ही बहुत कम। यहाँ गर्मी इतनी है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, और इन्हीं लिक्विड ओशियन से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। तो हमें भी ऐसे ही ग्रहों को खोजना था जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रहती होगी। परंतु क्या हमें आज तक कोई ऐसा ग्रह मिला है? वेल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारी धरती एकमात्र ज्ञात ग्रह जहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन हम मनुष्य अंतरिक्ष में चारों ओर लगातार अपने ही जैसे जीवन की खोज कर रहे हैं। पर क्यों? हमें आखिर इससे क्या फायदा है? क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारे लिए जरूरी है? वेल, हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सिक्वेंस स्टार है जिसका जीवन काल करीब 10 अरब साल है, और हमारा सूरज 4.6 अरब साल पुराना है, यानी अब तक इसने अपनी आधी जिंदगी काट ली है। इसके अंदर अब इतना हाइड्रोजन स्टोर्ड है कि ये और लगभग 5 अरब साल तक चमकता रहेगा। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इसके अंदर का हाइड्रोजन लगातार भारी एलिमेंट्स में फ्यूज हो रहा है, और इसी के साथ सूरज का आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अपने अंत के वक्त हमारा सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा। इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे सूरज का हैबिटेबल जोन पीछे की ओर खिसक जाएगा, यानी उस वक्त पृथ्वी में मौजूद सारा पानी सूख जाएगा और हमारी धरती जीवन के लायक नहीं बच पाएगी। हमारी धरती सूरज के हैबिटेबल जोन के बीच में नहीं बल्कि थोड़े किनारे पर है, और समय के साथ साथ ये किनारा धरती के और नजदीक आ रहा है। आज से करीब 1.75 अरब साल बाद सूरज का हैबिटेबल जोन इतना पीछे चला जाएगा कि हमारी धरती हैबिटेबल जोन से बाहर चली जाएगी, और फिर इसके बाद धरती हमारे लिए घर नहीं रह पाएगी। यानी हम मानव सभ्यता को जीवित रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। भले ही आज हम वहां तक जा नहीं सकते, लेकिन हमें अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए नए ठिकानों की तलाश करना ही पड़ेगा। और अगर कहीं जीवन मौजूद हुई तो इससे हमें यह संतोष मिलेगा कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र जीवित सभ्यता नहीं है, बल्कि यहाँ और भी सभ्यताएं मौजूद है जिनमें से शायद कुछ ने हमें प्राचीन समय में ज्ञान दिया था। लेकिन क्या अंतरिक्ष में ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ शायद जीवन फल फूल रही होगी, यानी हमारे धरती के जैसे प्लैनेट्स? वेल, इसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाओगे, क्योंकि कुछ खगोलशास्त्री ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी धरती जैसी ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा उत्तम ग्रह मौजूद हो सकती है जो जीवन के विकास के लिए हमारी धरती से भी ज्यादा सुटेबल होगी। जी हाँ, इन प्लैनेट्स को कहा जाता है सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स। परंतु आखिर ये हमारी धरती से भी ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि धरती हमारे लिए एक स्वर्ग है, परंतु कुछ प्लैनेट्स इससे भी ज्यादा बेहतर है जो शायद भविष्य में हमारे रहने का ठिकाना बन सकता है। भले ही 1.7 अरब साल हमारे लिए बहुत लंबा वक्त है, परंतु कुछ प्लैनेट्स इससे भी लंबे समय तक अपने तारों के हैबिटेबल जोन में रहते हैं। तारों को उनके आकार, चमक तथा टेम्परेचर के आधार पर 7 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, OBAFGK और M। हमारा सूरज एक जी क्लास वाइट ड्वार्फ स्टार है जो कि एक कॉमन सा स्टार है, कम चमकीला लेकिन अधिक जीवन काल वाला तारा। तारे की चमक और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम जी क्लास से ऊपर वाले क्लास की ओर बढ़ते हैं, तारे का जीवन काल छोटा होता जाता है। परंतु वहीं कम चमकीला तारा यानी एक एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार का जीवन काल कई खरब सालों का होता है, यानी इन सितारों के हैबिटेबल जोन में बसा ग्रह कई खरब साल तक गोल्डिलॉक्स जोन में ही बना रहेगा। आपने ट्रैपिस्ट 1 के बारे में तो सुना ही होगा। ट्रैपिस्ट 1 भी एक एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि हमसे 39.6 लाइट ईयर्स दूर है एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में। इस तारे के चारों ओर कुल 7 ग्रह चक्कर काटते हैं, जिनमें से 3 इसके हैबिटेबल जोन के अंदर है, और बाकी के 4 प्लैनेट्स में भी लिक्विड वाटर हो सकती है। लेकिन ये एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार भी हमारे लिए सही ठिकाना नहीं बन सकते, बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए सबसे आइडियल सितारे होते हैं जी तथा एम क्लास के बीच में आने वाला के क्लास ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स। इन तारों की चमक ऑरेंज कलर की होती है। इन तारों का मास हमारे सूरज के मास का केवल 50-80% होता है, परंतु इनका जीवन काल 30 या 40 अरब साल से भी ज्यादा होता है,
यानी ये हमारे सूरज से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा जीवन को जीते हैं। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट के कंसेप्ट को साल 2014 में रेने हिलर तथा जॉन आर्मस्ट्रांग ने पेश किया था। उनके मुताबिक ग्रह जो हमारी धरती के तुलना में दोगुनी मैसिव होगी तथा एक आइडियल के क्लास स्टार के हैबिटेबल जोन में होगा, वो जीवन के विकास के लिए अर्थ से भी ज्यादा सुइटेबल होगा। रिसर्चर्स भी ये मानते हैं कि हमारी धरती से दोगुनी मैसिव प्लैनेट्स में जीवन के लिए और भी उत्तम सुविधाएं हो सकती है। दोगुनी मैसिव यानी ज्यादा ग्रेविटी, जो अधिक एटमॉस्फेरिक गैसेस को पकड़कर रख पाए। अधिक ग्रेविटी प्लैनेट के कोर को भी गर्म रखेगा, जिसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक्टिव रहेंगी, जो कि जीवन के विकास के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जियोलॉजिकली एक्टिव प्लैनेट्स लगातार फास्फोरस तथा कैल्शियम के मिनरल्स को सतह पर लाते रहते हैं। ये मिनरल्स जीवन के फलने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही अधिक ग्रेविटी प्लैनेट के आयरन कोर को गर्म रखती है, जो ग्रह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट का अपने सूरज से आने वाले सोलर विंड से रक्षा करती है, ठीक हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के समान। यानी ये सुपर हैबिटेबल प्लैनेट भविष्य में हमारे रहने के लिए एकदम आइडियल ठिकाना होगा। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन किया तो ये पाया गया कि के क्लास स्टार हमारे सूरज की तुलना में दोगुनी कॉमन है। यानी के क्लास स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जी क्लास स्टार से भी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। नासा द्वारा अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया टेस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज जल्द ही कर लेंगे, जैसे कि केपलर 62F, जो केपलर 62 एक के क्लास ऑरेंज स्टार का चक्कर काटता है। टेस्ट के जरिए हम इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की भी पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे हम केवल अनुमान ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ये सिद्ध कर सकेंगे कि वो एक्सोप्लैनेट्स जीवन के लायक है या नहीं। और इसके बाद हमें केवल वो जरिया खोजना होगा जिसके मदद से हम वहाँ तक के सफर को तय कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।